और रिजवान बैटरी वाले को राष्ट्रवादी में इज्जत से बुला रहे हैं। मेरे नौजवान चाह रहे हैं कि हमको ऐसे ही दबंग शेर चाहिए जो हमारी कयादत करे। एक एक ऑफिसर को गटर में सुलाऊंगा। अच्छा, ये खाली एमएलए नहीं है सर, टू इन वन है ये। ये चाहता हूँ कि इनको जीरो दूं, इसलिए कि ये पहली टाइम एमएलए नहीं बने, दोबारा आवाम को चकमा दे रहे हैं। ये एमएलए, साबिक एमएलए, ये सबों को है ना, इनसे तो लूम चलवाना चाहिए सर। मालेगांव शहर का लूमो है ना अपना, वो चलवाना चाहिए। इन लोग सब पूरी खानदान यही लायक के। You are watching News 41. हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ मुदस्सिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 नेटवर्क। हर खबर खास है। आज हमारे साथ है रिजवान भाई बैटरी वाला। सीधा सवाल करते हैं इनसे सर, जयंत पाटिल साहब से आप किस मौजू पे बात करने के लिए गए थे? मैं जो मेरे शहर के अंदर आवाम बुनियादी सहूलियात से परेशान है, अमीर से लेके गरीब तक, कच्चे वार्डों से लेके पक्के वार्डों तक, आज आवाम खुद अपने पैसे का चंदा जमा कर रही है और सड़क बना रही है, गटर बना रही है। मैं जयंत पाटिल साहब को यही कहने गया था कि सर, क्या मालेगांव महाराष्ट्र के नक्शे के बाहर है क्या? ओ मालेगांव शहर, जिसकी महानगर पालिका सालाना 450 करोड़ का बजट रखती है, 5 साल का 2250 करोड़ 2200 करोड़ रुपया बजट रखती है, आप अपना आधा पैसा जो है आपकी तनख्वाह पे, कॉरपोरेशन के तमाम अखराजात पे, जितनी भी इनकी भूख हो उस पे निकाल दीजिए। 1100 करोड़ रुपया मालेगांव शहर में अगर जो लगा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि 5 साल के अंदर मालेगांव शहर 1100 करोड़ रुपये में और डेवलप होगा कि लोग औरंगाबाद को भूल जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा हमारा मालेगांव है उसके लिए 1100 करोड़ रुपया काफ़ी है सर। लेकिन अफसोस, 20 साल हो गया महानगर पालिका को बन के, आज 20 साल में सर, आज 20 साल में मालेगांव महानगर पालिका के कारपोरेटर, मालेगांव महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, गट नेता, मेयर, मालेगांव शहर के मुस्लिम एमएलए सिर्फ गटर और सड़क में ही परेशान हैं। समझ में नहीं आता क्या होगा। मैंने तमाम उनको सबूत के तौर पे सारी चीज़ें रखी, लेकिन मैं मालेगांव शहर की आवाम का शुक्रगुजार हूँ। मैं अल्लाह का बेपनाह एहसान मंद हूँ कि मेरे अल्लाह ने वो इज्जत दी है कि लोग राष्ट्रवादी की सदारत मांग रहे हैं और रिजवान बैटरी वाले को राष्ट्रवादी में इज्जत से बुला रहे हैं सर। सर, आप जैसा कह रहे हैं कि जयंत पाटिल ने आपको खुद अप्रोच किया था। सर, उन्होंने मुझे खुद दावत दी है कि आपको राष्ट्रवादी में आना चाहिए। सर, 3 हफ्ता पहले श्री छगन भुजबल साहब, समीर भुजबल साहब, इनके फार्म हाउस नासिक में इनके बहुत सारे एमएलओ के साथ खुद भुजबल साहब ने मुझसे कहा कि रिजवान, जिस तरीके से मैं तामीरी जहन रखता हूँ, आपकी सोच समझ तामीरी जहन की है, आप आवाम के लिए गंदे पानी में लेट जाते हो, गटरों में सो जाते हो, ये तो मालेगांव शहर के लीडरों के लिए शर्म की बात है। आप हमारे साथ जुट जाइए, ये हमारी खुशकिस्मती होगी। ये भुजबल साहब के जुमले हैं, आप पूछ सकते हो। मैंने उनसे कहा, नहीं सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे शहर का विकास। सर, आप अगर उधर से ऑफ़र होगा कुछ एनसीपी में सदारत का, तो आप क्या लेना चाहोगे? सर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी तक तो मेरा कोई मूड नहीं था सर, लेकिन जब से माननीय सदर साहब से
जैन पाटिल साहब से मुलाकात करके मैं आया हूँ। बेचारे मेरे भाई, सोशल मीडिया पे चलाने वाले लोगों ने जो बात को फैलाया है। तो सर, शहर से हमारे वकला हजरत, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अच्छे सुलझे हुए लोग, मेरे शहर के गयूर नौजवान, अब उनकी दिली ख्वाहिश हो गई है कि रिजवान बैटरी वाले को एनसीपी में जाना चाहिए। मेरे नौजवान चाह रहे कि हमको ऐसे ही दबंग शेर चाहिए जो हमारी क़यादत करे और एनसीपी में रहे के मालेगांव शहर का नक्शा पलटे। तो हम भी सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, मैं मालेगांव शहर का एक छोटा सा खादिम हूँ सर, आवाम का, मेरी आवाम का। मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाम से अपील कर रहा हूँ सर, मेरी सांस उखड़े तक मैं शहर का काम करते रहूँगा इंशाल्लाह। जब तक मैं जिंदा हूँ, आवाम के काम करते रहूँगा। इनकी बदउनवानी मेरे सामने, चाहे कोई भी आ जाए सर, मैं इनकी बदउनवानी आवाम के सामने उजागर करता रहूँगा कि ये बैतुल माल का जो नारा दिया गया था, उस बैतुल माल को इस तरीके से लूटा जा रहा है, इसकी हिफाजत की जाए। और सर, आप देख रहे हैं आज शहर में नौजवान जाग रहे हैं, नौजवान सड़कों पे आ चुके हैं सर, थोड़ी तादाद में आए, थोड़े दिन में चिंगारी है, आँख बन जाएंगी। आज मेरे नौजवान सड़क पे निकल गए रिजवान बैटरी वाले के जैसे दीवाने बन के। हम खुद सड़क बनाएंगे, ज़रूरत पड़ी हम खुद गटर बनाएंगे, ज़रूरत पड़ी हम गटर में सो भी जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेरे नौजवानों, बैटरी वाला काफ़ी है, तुम लोग खाली जाग जाओ, सारे अफसरों को गटर में सुला दूंगा मैं इंशाल्लाह, एक एक ऑफिसर को गटर में सुलाऊंगा। खाली मेरे शहर के गयूर नौजवान जिस तेजी से जाग रहे हैं सर, ऐसे ही जाग जाए। मैं एनसीपी में क्या, एमआईएम को किसने लाया भाई मालेगांव में? तब कहां थे ये दबंग दावे करने वाले बहादुर लीडर? छुपे थे सर ये बिल में, रिजवान बैटरी वाले को मेंटल कहते थे, अबे वो अवेसिया के ला रहा है, अपनी मौत के दावत दे रहा है, यही एमएलए अछूत पार्टी बोलता था। आज जो एमएलए है, इसी एमआईएम को बी पार्टी बोलते थे, बीजेपी का दलाल कहते थे। अभी बताइए सर, अब आवाम देख रही है, चुनके भी दे दी, 10 महीना हो गया घर ही में घुसे हैं, बताओ आप। तो मैं तो घर में नहीं बैठा हूँ, मैं आवाम के बीच में हूँ हर वक्त 24 घंटा, और इंशाल्लाह रहूँगा। और मैं कह रहा हूँ, अभी तक मूड नहीं था, लेकिन मेरे शहर के नौजवान अगर जो चाहेंगे कि रिजवान बैटरी वाले को जाना चाहिए किसी पार्टी में, मेरे शहर के विकास के लिए मैं जाऊँगा। तो अब ये समझा जाए कि 4 की बजाय 5 है रेस में? नहीं, मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं रेस में नहीं हूँ भाई। ये काबिल लोग हैं, ये जो सदारत मांग रहे ना सर, इनके अंदर काबिलियत कूट कूट के भरी है, इतने काबिल इंसान है ये लोग, इनके बीच में मेरी कहाँ भाई। मैं छोटा आदमी हूँ, अल्लाह की मदद आ जाए, जैसे मन्नो सलवा उतरता था ऐसे कुछ अल्लाह ताला करिश्मा बता दे, अल्लाह पार्टी के अध्यक्ष के दिल में, ऊपरी लोगों के दिल में डाले और मेरे जैसे छोटे आदमी को बना देवे, तो ये तो करिश्मा होगा सर। नहीं तो मैं रेस में नहीं हूँ सर इनकी, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ सर। मैं आवाम के काम के लिए लड़ सकता हूँ, इनसे कहाँ भिड़ूंगा सर इनसे। इतना है, मैं बना तो सबको जोड़ के चलूँगा, मेरा मकसद होगा शहर का विकास, मेरे शहर का विकास। पार्टी को हम कितना मजबूत कर सकते हैं, संगठन को हम कितना मजबूत कर सकते हैं, मैं वो काम नहीं करूंगा सर कि असेंबली इलेक्शन पे जिस वक्त माननीय शरद पवार जी, जिसे आज पूरा मुल्क सलाम करता है, उनकी सियासत को, उनकी सोच को, वो इंसान, इतने बुजुर्ग लीडर अपने कैंडिडेट के लिए तूफानी बारिश में स्टेज पे खड़े रह के एक वोट मांग रहे थे कि मेरे कैंडिडेट को चुन के दो, और हमारे यहाँ के लीडर माइनॉरिटी को भड़का रहे थे। मैं वो काम नहीं करूँगा भाई,
मैं जिसके भी साथ रहा हूँ, जिस पार्टी के साथ भी रहा हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ। मैं अवेसी साहब से भी कह रहा हूँ सर, अगर जो कहीं मेरी कोई सेटिंग होंगे तो बता दीजिएगा चैनल वैनल वालों को, गांव वालों को, आएंगे तो जलसे में चिल्ला के बोल देना कि वो बैटरी वाला ऐसी चिल्लाते रहता। मेरा मकसद है शहर का विकास, मैं किसी का खा के नहीं बैठा हूँ। तो शहर के विकास के लिए वो लोग काम करने के लिए तैयार है तो मैं वेलकम। अच्छा, शहर के विकास में हमेशा आपको देखा गया है कि रोड और गटर से बात करते हैं, एजुकेशन को किस लेवल से आप देखते हैं? सर बहुत अच्छा मुद्दा है आपका, अच्छा सवाल है। अब मैं तकरीबन 44 का 45 क्रॉस कर दिया हूँ, अभी तक तो गटरिया और सड़क ये नहीं बन रही है, तो एजुकेशन की कहाँ से बात करूँ, तुम बताओ मुके। यहाँ के लीडरान सड़क और गटर में वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ओलमाए के राम, शहर का पढ़ा लिखा बासहू तबका, सबको इसी दो चीज़ में घुसेड़ दिए। सर होना तो ये चाहिए था कि लोग सुरेश दादा जैन की मिसाल देना बंद कर देते, जलगांव बताना बंद कर देते सर, नासिक बताना बंद कर देते, मालेगांव आइडियल बनना चाहिए था, नमूना। क्योंकि आप देखते हो हमेशा सर, मस्जिदों, मीनारों, ओलमाओं, अब्दी शहर, पढ़े लिखों का शहर कहलाया जाता है मालेगांव, और कहाँ है सर, देहात से भी बदतर है सर हमारा मालेगांव शहर, देहात से। एक सरपंच का इलाका होता है ना ग्राम पंचायत का, वहाँ इतनी मोटी मोटी सीमेंट की सड़कें बनती है, ऐसी गटरें बनती है कि आप कच्चल डाल दो यहाँ फेंक दो तो कच्चल वहाँ आपको 1 मीटर 1 किलोमीटर दूर पर जाके पकड़ना पड़ेंगी, यहाँ सिद्धू डाल दो गटर में तो वहीं पे वो दम तोड़ देता, मर जाता, उसको निकलने को भी रास्ता नहीं मिलता। एजुकेशन, हमारे मौजूदा MLA साहब क्या ये नहीं ला सकते? पीछे क्या हमारे को यहाँ पे बड़ी फंडिंग नहीं मिल रही थी बड़ी कॉलेज के लिए, क्यों नहीं लिया गया भाई? मेरा सवाल है यहाँ के लीडरों से, यहाँ के जिम्मेदारों से, आपने मालेगांव शहर की आवाम के लिए क्यों नहीं किया? ये होना चाहिए। अगर जो हम आते हम राष्ट्रवादी में आए, हमको ये मौका मिला तो हम आदरणीय श्री शरद पवार जी, छगन भुजबल साहब, जयंत पाटिल साहब, हमारे अजीत दादा साहब, इनसे कहेंगे कि सर आप हमें यहाँ पे ऐसी ऐसी कॉलेजें दो कि हमारे शहर की बच्चियों को दूसरे शहर में ना जाना पड़े। हम लड़ेंगे सर, हम मांगेंगे कि आपकी सरकार है, आप हमें अभी दे दो, इसके लिए हम रेडी है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे और अभी एक पार्टी और जो तालीम याफ्ता ग्रुप का है मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट करके नाम से, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? सलाम करता हूँ मैं उन्हें, उन नौजवानों को सलाम करता हूँ, और कहना चाहूँगा मेरे भाई बहकना मत, बहुत टेढ़ी पटरी पे हम लोग चल रहे हैं। ये सियासी लोग बहुत अजीब अजीब फंडे इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ना सर, नौजवान सड़क पे आ गए, आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है, मेरी कुछ माँ बहनें गटरे बना रही है और मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अल्फाज वो लोग शहर के जिम्मेदारों के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरे शहर के अंदर चंदा मांग के जो है तो सड़कें बन रही है सर, गटरे बन रही है, तो ये तो इनको शर्म आनी चाहिए। एक ताकत उभर रही है और आने वाले कॉरपोरेशन में इंशाल्लाह सब नए पढ़े लिखे बच्चे आएंगे, बच्चियाँ आएंगी, ये हमारी कोशिश होगी सर। अच्छा, आप जयंत पाटिल से मिलने गए थे तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जब आए तो जब आपने क्यों ऐसा कहा कि सदारत मुझे नहीं चाहिए? सर मैंने तो आपसे कहा कि मेरा कोई मूड ही नहीं था, अब ये सच्चाई है। रिजवान बैटरी वाला मूडी आदमी है, मूड से काम करता है, प्रेशर में काम करने की आदत नहीं है मुझे, है ना। लेकिन सर राष्ट्रवादी किसी की तारुफ की मोहताज भी नहीं है, हर जगह शरद पवार साहब के ज़रिए काम होता है और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लोगों का काम होता है, वो करवा के देते हैं। अब मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने नहीं कहा भाई, मैं आपसे कहा कि आने सदर साहब से मिल के आने के बाद जो मेरी पोस्ट वायरल हुई है सर, आप मेरे कॉल देख लीजिए,
किन किन लोगों के, इसका मतलब मेरा शहर चाहता है कि रिजवान बैटरी वाले को एक जो है पीछे सपोर्ट चाहिए, तो मैं तैयार, अगर जो शहर चाहता है तो मैं तैयार हूँ। मेरे शहरियान बोल देंगे तू जहाँ है हमारे लिए यहीं गटर में कूद, यहीं सड़क पर सो जा, मैं इसके साथ खुश हूँ सर। अच्छा, मौजूदा मेयर और मौजूदा एमएलए के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब किस तरीके का काम काज चल रहा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? शहर में ना मेयर साहबा अपना रोल अदा कर रही है, अब हमारे मौजूदा एमएलए साहब के ताल्लुक से क्या कहूँ मैं। साहब ने उन्हें, अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बड़ी नेमत दी दोबारा, अब खुद साफ फैसला कर लें कि वो शहर के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जीरो है। एक एमएलए साहब, एमएलए का पावर क्या होना चाहिए सर? एमएलए एमएलए होना चाहिए सर। एक रिजवान बैटरी वाला सड़क पे बैठ जाता है तो सिस्टम हिल जाता है। मुझे तारीख में एक दफ़े भी बता दो कभी हमारे एमएलए साहब आवाम के लिए सड़क पे बैठ गए और काम करा दिए, तो क्या समझा जाए। अच्छा, ये खाली एमएलए नहीं है सर, 2-in-1 है ये। एमएलए के साथ साथ इनके कारपोरेटर भी है ना सर, और तुम सत्ता में भी नहीं हो ना, अपोजिशन में हो ना सर, कम से कम आपके कारपोरेटर कितनी दफे रोड पर उतर के धरना किए मालेगांव शहर की आवाम को बता दो कि आपकी सहूलियत के लिए, आपकी बुनियादी सहूलियत के लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के तमाम कारपोरेटर सड़क पर बैठ गए, सो गए कि जब तक आवाम का काम नहीं होएगा हम जेल जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। बताओ ना सर। अभी पिछले जुमा की बात सर, आयशा नगर कब्रस्तान के पास गटर शौचालय बैतुल खला सर, बैतुल खला का गटर का पानी मदरसे के अंदर, कब्रस्तान के अंदर, लोगों के घरों के अंदर, और जानते हो आप इनके ही कारपोरेटर हैं चारों की चारों। आप क्या मांस देंगे सर इनको, क्या क्या खिताब देना चाहेंगे आप? मैं तो जीरो दूंगा भाई, मेरा दिल ये चाहता हूँ कि इनको जीरो दूं, इसलिए कि ये पहली टाइम एमएलए नहीं बने, दोबारा आवाम को चकमा दे रहे हैं ये। अब आवाम का काम है कि आवाम जाग जाए, आजी माजी मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए, ये सबों को है ना, इनसे तो लूम चलवाना चाहिए सर। मालेगांव शहर का लूमवा है ना अपना, वो चलवाए चाहिए। इन लोग सब पूरी खानदान यही लायक के, ये आवाम के जुमले आए, मेरे जुमले नहीं है। आपने इसके पहले एक मुहिम चलाए थे बच्चे लोग को लेके अतिक्रमण हटाने के लिए बंगार बाजार में, तो आज देखा जा रहा है कि फिर से वहाँ पे अतिक्रमण है, तो आप इस कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निकम्मी कारपोरेशन, नाकारा कारपोरेशन, ना अहल कारपोरेशन, हिंदुस्तान की सबसे घटिया निकम्मी कारपोरेशन मालेगांव कारपोरेशन सर। महाराष्ट्र की तारीख में जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक, हिंदुस्तान की तारीख में सर, कहीं स्कूल के मासूम तलबा और तालबात 50,000 बच्चे सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरेगी ये अतिक्रमण हटाओ हमें रास्ता चाहिए। कितनी शर्म की बात है, जो मुल्कों का मुस्तकबिल है, जो आने वाले मुल्कों का मुस्तकबिल है, जो हमारे बच्चे इस मुल्कों के फूल है, उनकी नहीं सुनी ये महानगर पालिका? कितनी घटिया महानगर पालिका हो सकती है? साइलेंस जोन है सर स्कूलों के पास में, मदरसों के पास में, हॉस्पिटल के पास में, ऐसे ऐसे हॉर्न बजाते हैं सर कि कान फट जाए, वो बच्चे स्कूल में क्या पढ़ेंगे? तो आप क्या दोगे यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के मेयर को, यहाँ के जिम्मेदारों को, यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को, जो साइलेंस जोन का इलाका है, उनको क्या समझाऊँ मैं सर? रोड के ऊपर अतिक्रमण, अतिक्रमण जो गटर के ऊपर है, गटर के अंदर है, वो महानगर पालिका जब चाहे जब तोड़ सकती है, लेकिन आप और मैं जो सड़क के ऊपर अतिक्रमण करके बैठे हैं, बॉम्बे एक्टों के तहत पुलिस का काम है कि डंडा उठाए, सटी सट मारे और माल जमा करे, तो पुलिस क्या
मालेगांव शहर में कुत्ता गोली वालों के साथ में सोई है क्या? पुलिस गांजा बेचने वालों के साथ सोई है क्या? पुलिस काला धंधा चलाने वालों के साथ में सोई है क्या? सर मेरा सवाल है, क्या ये नाबीना है? यहाँ मालेगांव शहर की पूरी पुलिस अंधी है, जिसको रोड पे इतना अतिक्रमण नहीं नजर आता कि यार ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी लाए, टोचन करे, उठा के ले जाए, फाइन मारे, 15 दिन में शहर सुधर जाएगा। सर करना ही नहीं चाहते ये लोग, यहाँ के सियासी लीडरान सबको लड्डू बांट देते, बोल देते भंग की गोली खा के सोए रहो, वो लोग सोए रहते बेचारे सुकून से, बैटरी वाला गटर में कूदता जब वो भों 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 वायरस बजा के आते। अच्छा मेरा एक सवाल है फ्लाईओवर के ऊपर से, यहाँ का फ्लाईओवर की लंबाई कई दिनों से बढ़ाने के बारे में कुछ सियासत चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई ज़रूरत ही नहीं थी ब्रिज की। 3.5 साल पहले आपको याद होगा हमने आंदोलन किया, इंसानी जंजीर का डिवाइडर बनाया, हमारे ऐसा नगर PI साहब, सिटी के PI साहब, DYSP साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। 3.5 घंटा सर हमने आंदोलन चलाया, 1 मिनट भी ट्रैफिक नहीं फंसी, 1 मिनट भी पुलिस वालों ने सलाम कर दिया कि यार वाह। वहीं पे हमने मालेगांव शहर के सिटी इंजीनियर को बुलाया, डिप्टी कमिश्नर को बुलाया, सबको बुलाया, हमने लिखी में लिया कि दोनों साइड में बच्चों के लिए चलने के लिए पेचेस बना दीजिए, रास्ते में पतला डिवाइडर डाल दीजिए। जो आप देखे अभी जो ट्रांसफार्मर हटाया गया है बस स्टैंड के पास का, 3.5 साल पहले उन्होंने हमको लिख के दिया कि ये ट्रांसफार्मर उठा के रोड के उधर डाल देंगे, जो अभी मदीना मस्जिद के लग का अतिक्रमण टूटा, ये अतिक्रमण तोड़ देंगे, रोड चौड़ा हो जाएगा, ये हो। एस्टिमेट कितने का था जानते हैं सर? मेरे लग पेपर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता सकता हूँ, देख सकते हैं आप। 10,28,000 में ये पूरा काम हो जा रहा था, शहर खूबसूरत बन जा रहा था, सारे अतिक्रमण हट जा रहे थे, सारा काम हो जा रहा था, जनता का पैसा भी बच रहा था। यहाँ का रिच विरिच की जरूरत थी? अब उसको लंबी कर, छोटी कर, नाटी कर। अबे मैं बोलता हूँ तुम लोग साले गधे के बच्चे हो क्या? यहाँ का शहर का सिटी इंजीनियर गधे का बच्चा है क्या सर? ये मालेगांव शहर का मसला नहीं है, ये महाराष्ट्र का मसला नहीं है, ये मुल्कों का मसला नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। और हम और आप तो ईमान वाले हैं, हमारा यकीन तो अल्लाह के ऊपर है कि मेरा अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। ये बीमारी भी अल्लाह का दी हुई एक आज़ाब है, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, मैं अपने गुनाहों से तौबा करूँ, शहर की आवाम तोबा करे कि अल्लाह तू इससे हमारे हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की अल्लाह हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया से इस बीमारी का खात्मा फरमा। इसे मजाक में मत लो, आप मजाक में लोगे तो आप ईमान वाले कहाँ से रह जाओगे, क्योंकि ये एक अल्लाह का अजाब है। हम अल्लाह से दुआ करें इससे हिफाजत, खुद आप अपनी भी हिफाजत करो, अल्लाह से भी मांगो, दूसरे के लिए भी मांगो, मुल्क के लिए भी मांगो। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आज आपके और मेरे लिए कलेजा फट जाए, हम लोग ज़मीन फट जाए, हम लोग ज़मीन में समा जाएं, बैतुल मुकद्दस ओ खाने काबा हज नहीं कर सके हम, अब इससे बड़ी बात हमारे सामने क्या चाहिए? ये सीरियस मुद्दा है सर, इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई भी सरकार है वो गाइडलाइन करती है तो हमें उसको मदद करना चाहिए सर। ये थे हमारे साथ में रिजवान भाई बैटरी वाले, और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से अपील की है कि अगर लोग चाहे तो ये ज़रूर NCP की सदारत के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 41 नेटवर्क।
इसी तरह खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 41 नेटवर्क, क्योंकि हर खबर खास है। हैव अ गुड टाइम।